तो साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे आज का जो मुकाबला होने वाला है, आईपीएल का महासंग्राम शुरू हो चुका है। आज का मुकाबला नंबर 2 जो होने वाला है वानखेड़े में, मुंबई के वानखेड़े में DCVS। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो कल हुआ मुकाबला नंबर 1 आईपीएल का महासंग्राम की शुरुआत अब हो चुकी है। जो मुकाबला नंबर 1 हुआ बेंगलोर और वर्सेस मुंबई इंडियंस, बेंगलोर वीएस मुंबई इंडियंस, जिसमें मुंबई पलटन को हार का सामना करना पड़ा पहले मैच में बेंगलोर के खिलाफ, क्योंकि हर्षल पटेल का जो पंच है वो काम आया। मुंबई के लिए तो नहीं, लेकिन बेंगलोर के लिए वो काम आया। हर्षल पटेल का जो पंच था वो मुंबई पर ऐसा चला कि पूरी मुंबई की टीम ध्वस्त हो गई। बेंगलोर के सामने मुंबई का लक्ष्य था, मुंबई को बेंगलोर के मुंबई ने जो पहले बल्लेबाजी की थी, पहले बेंगलोर ने टॉस जीता था इस मैच में और मुंबई को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें 20 ओवर में 159 ही रन बना सकी मुंबई की टीम। ऐसे एक समय ऐसा था, पहले धीमी लोकल चली मुंबई की और उसके बाद जो लय पकड़ी थी मुंबई ने बीच में, तो ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि 200 तक पहुंच जाए मुंबई। लेकिन फिर अंत में जो अंत के 4 ओवर हुए उसमें हर्षल पटेल ने ऐसा तेवर बदल दिया कि पूरी मुंबई की टीम ध्वस्त हो गई। 5 विकेट कल हर्षल पटेल ने लिए, 4 ओवर में 26 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। कमाल का ओवर था और अगले 3 ओवर में बहुत कम रन दिए। पहले ओवर में बहुत महंगे साबित हो गए थे, पहला ओवर महंगा था लेकिन अगले 3 ओवर जबरदस्त थे। तो 4 ओवर में 26 रन, पहले ओवर में 13 रन, 3 ओवर में आप सोचिए 3 ओवर में 13 रन दिए, तो पहले ओवर का बदला पूरे 3 ओवर में निकाल लिया उन्होंने। जबरदस्त गेंदबाजी थी मुंबई के खिलाफ हर्षल पटेल की। मुंबई के सामने अब दूसरा मैच होगा, वो तब हमें पता चलेगा कि मुंबई की टीम कितना और दम दिखा सकती है। मुंबई में तो काफ़ी दम है, लेकिन बेंगलोर के सामने लक्ष्य था 159 का। बेंगलोर की ओर से ओपन करने आया विराट कोहली के साथ वाशिंगटन सुंदर खास प्रदर्शन नहीं कर सके, खतरों से खेल रहे थे और आखिरकार खेलते ही रह गए खतरों से, लेकिन खास कर नहीं सके। उसके बाद विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी करने आए थे रजत पाटीदार, थोड़े से फॉर्म में लगे थे लेकिन ज़्यादा देर नहीं रह सके क्रीज पर। लेकिन जब ग्लेन मैक्सवेल आए, ग्लेन मैक्सवेल के सामने बेंगलोर ने 4 नंबर पर भेजा था ग्लेन मैक्सवेल को, और ग्लेन मैक्सवेल के सामने मुंबई की टीम पस्त दिखाई दे रही थी। बेंगलोर के सामने मुंबई की टीम, मतलब ग्लेन मैक्सवेल के सामने मुंबई की टीम पूरी तरह झुक गई थी, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल आए और ज़बरदस्त तूफानी पारी खेल कर गए। उसके बाद एबी डिविलियर्स और विराट कोहली तो ग्लेन मैक्सवेल के साथ खेल ही रहे थे, तो विराट कोहली आउट हो गए, रन आउट हो गए और जल्दबाजी में थोड़ा हाना के चक्कर में विराट कोहली रन आउट हो गए, और उसके बाद तालमेल में गड़बड़ी के बाद विराट कोहली आउट हो गए थे, रन आउट हो गए। तो एबी डिविलियर्स बल्लेबाजी करने आए और एबी डिविलियर्स ने कमान संभाली और ग्लेन मैक्सवेल भी जल्द फिर अंत में आउट हो गए। ऐसा लग रहा था कि और कहीं ना कहीं मैच पलट ना जाए, लेकिन अंत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आखिरकार मैच जीत ही लिया। अंत में 6 विकेट गिर गए थे तो अंत में जाकर मैच जीत लिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। जो विनिंग शॉट था वो हर्षल पटेल के ही बल्ले से आया, तो हर्षल पटेल कहीं ना कहीं गेंद से भी और बल्ले से भी चमके। बल्ले से चमकने का ज़्यादा मौका तो नहीं मिला, लेकिन विनिंग शॉट तो खेलने का मौका मिल ही गया। तो अब बेंगलोर की शुरुआत, जो ओपनिंग मैच में बेंगलोर की शुरुआत हो चुकी है जीत के साथ, तो अब
आज जो मुकाबला होगा, एक तरफ युवा, एक तरफ अनुभव। वाह, अनुभवी और युवा की भिड़न होगी आज। कप्तान ऋषभ पंत युवा, उसके बाद सबसे तेज दिमागदार और अनुभवी महेंद्र सिंह धोनी की टीम CSK, चेन्नई सुपर की। इनका बड़ा महामुकाबला होने वाला है, तो महामुकाबले की तैयारी जोर शोर से चल रही है और मुकाबला काफ़ी कड़क होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है। मुकाबले की शुरुआत शाम 7:30 बजे से फिर से देखी जा सकती है हमें। तो CSK और DC के बीच बड़ा मुकाबला होने वाला है। दोनों के स्क्वाड पर नज़र डालें तो थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं दोनों के स्क्वाड पर, कैसी है दोनों की प्लेइंग 11। तो कुछ इस तरह की है दोनों की प्लेइंग 11। तो ये है प्लेइंग 11 दोनों की, नज़र डालें तो यहाँ पे नज़र आते हैं पृथ्वी शॉ, शिखर धवन। हालांकि माना जा रहा है कि कगिसो रबाडा, जी हाँ कगिसो रबाडा पहला मैच मिस करेंगे क्योंकि साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी है कगिसो रबाडा। एंड्रिस नोकिया ये मौजूद नहीं होंगे, तो थोड़ा सा अब भारतीय पेसर्स दिखाई दे सकते हैं, भारतीय तेज गेंदबाज। इनके पास क्रिस हुक्स भी वैसे है मौजूद, क्रिस हुक्स भी दिखाई दे सकते हैं आज के मैच में। देखा जाए तो यहाँ पे जो शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टॉइनिस और श्रेयस अय्यर मौजूद नहीं है, तो एक बड़ा नाम यहाँ से अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है बड़ा नाम, श्रेयस अय्यर। उसके बाद ऋषभ पंत कप्तान तो हो गए ही, और यहाँ पे अक्षर पटेल कोविड पॉजिटिव है, तो ऐसा सेकेंड पुट निगेटिव आई ऐसा माना जा रहा था, तो रिपोर्ट्स अभी कुछ कंफर्म नहीं आई हैं, लेकिन अभी कंफर्म होने के बाद हम आपको अपडेट ज़रूर बताएंगे। लेकिन सुनने में आया था कहीं ना कहीं अक्षर पटेल अभी थोड़े से ठीक है, निगेटिव आए हैं। तो अश्विन यहाँ है, रविचंद्र अश्विन भी है, और उनके बाद अगर देखा जाए तो इनके पास अमित मिश्रा भी है, और इनके पास एंड्रिस नोकिया नहीं है, वो तो उमेश यादव, क्रिस हुक और ईशान शर्मा भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो सकती है इनकी खास प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, ये भी हम जानेंगे इस खास एपिसोड में। तो आपने अभी देखा जो प्लेइंग 11, हमने अभी पूरी स्क्वाड देखी इनकी, दिल्ली कैपिटल्स की अभी हमने पूरी स्क्वाड देखी है, जिसमें ललित यादव जैसे भी खिलाड़ी है, प्रवीण दुबे, आवेश खान, और इनके पास अमित मिश्रा जैसे स्पिनर भी है। तो अक्षर पटेल की गैर मौजूदगी में शायद मुझे लगता है अमित मिश्रा को इन्होंने खिलाना चाहिए अश्विन के साथ, एक बढ़िया स्पिनर है अमित मिश्रा, और जो भी नया बल्लेबाज आता है उनके लिए काफ़ी घातक साबित होते हैं अमित मिश्रा। तो अमित मिश्रा बहुत सीनियर खिलाड़ी है इस टीम के, दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तो अमित मिश्रा का भी खेलना बनता है। इनके पास अगर कभी ऋषभ पंत गैर मौजूद रहे, अगर विकेट कीपरिंग की आवश्यकता पड़ी, तो इनके पास विकेट कीपर भी है, सैम बेलिंग्स इस बार खरीदे गए, चेन्नई सुपर किंग्स में थे इसके पहले, पिछले साल पिछले सीजन में अगर देखें हम तो चेन्नई सुपर किंग में थे, और इस बार चेन्नई सुपर किंग के वो आप खेलते हुए दिखाई देंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम की ओर से। तो सैम विलियम्स भी अच्छे खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी है। सिमरन हिटमार, जी हाँ सिमरन हिटमार को तो आप सभी जानते ही है किस लेवल के खिलाड़ी है और किस स्तर के खिलाड़ी है। वेस्ट इंडियंस पावर है, क्षमता है इनके पास, इनके पास शॉट है और बड़े बड़े शॉट है, ताबड़तोड़ छक्के लगाते हैं, आसानी से छक्के लगाते हैं, चौके और छक्के में ज़्यादा डील कर लेते हैं आराम से। तो एक एक्स फैक्टर है सिमरन हिटमार, मार्कस स्टॉइनिस जैसे खिलाड़ी। तो सिमरन हिटमार को पहले मैच में जगह मिलती है या नहीं ये तो मुश्किल है बताना, क्योंकि इनके पास स्टीव स्मिथ भी है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अजिंक्य रहाणे भारतीय टेस्ट टीम के वाइस कप्तान यहाँ पे मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स में भी, तो
ये है डेली कैपिटल्स। ये तो बात थी डेली कैपिटल्स की। हाँ, और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अक्षय चौधरी जी, जी हाँ अक्षय चौधरी जी को जानते हैं कुछ दर्शक जो हमारे ब्लाइंड क्रिकेट खेलकर आए हैं अभी। हालांकि उनका डेब्यू हुआ नहीं, होते होते रहेगा, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट में वो अब खेलते आ रहे हैं, खेल के आए हैं अब ब्लाइंड क्रिकेट में, इंटरनेशनल में पदार्पण करके आए हैं। तो सिलेक्शन हुआ था उनका डेली जो बांग्लादेश टूर पे गई थी भारतीय टीम, ट्राई सीरीज़ थी वहाँ पे, तो पाकिस्तान चैम्पियन बनी ट्राई सीरीज़ की। उसका रिजल्ट तो सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले अपडेट भी दिया था, कुछ दिन पूर्व हमने। तो ट्राई सीरीज़ में पाकिस्तान चैम्पियन बन गई। तो लॉकडाउन के चलते बांग्लादेश में कुछ महामारी के चलते महामारी ज़्यादा बढ़ गई थी और वहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया था, तो इसके चलते जल्दी जल्दी में जल्दबाजी में ये ट्राई सीरीज ख़त्म कर दी गई। और ट्राई सीरीज ख़त्म होने के बाद आप भारत वापस आ गए हैं, हमारे देश में वापस आ गए हैं, अपने देश वापस आ गए अक्षय चौधरी जी। तो कुछ दिन के बाद, कुछ ही दिनों के बाद वो हमारे साथ भी जुड़ जाएंगे, कुछ दो चार दिन के अंदर अंदर वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो अक्षय चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अक्षय जी को, कि बहुत बढ़िया बात है कि आपका सिलेक्शन हुआ, बांग्लादेश पर चले गए थे, बांग्लादेश टूर पर गए थे ट्राई सीरीज़ के लिए। बहुत बड़ी बात है ये हमारे इंडियन क्रिकेट के लिए, हमारे ब्लाइंड इंडियन क्रिकेट के लिए, दृष्टिबाधितों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का जो मुकाबला डीसी और सीएसके के बीच उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले लेते हैं एक सही है गेम प्लान, जान लेते हैं अनमोल जी वहाँ तैयार है सही है गेम प्लान लेकर, शिखर सुरेश रैना के ऊपर और पृथ्वी शॉ के ऊपर, सुरेश रैना और पृथ्वी शॉ के लिए तैयार है सही है गेम प्लान। स्वागत है आप सभी का गेम प्लान प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स क्लब पे। यहाँ पर हम अभी हमारे क्रिकेट स्टूडियोज पर आ चुके हैं, डेमो क्रिकेट स्टूडियोज पे, और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्लेयर्स की गेम प्लान स्ट्रेटजी क्या हो सकती है यहाँ पर गेम प्लान स्ट्रेटजी। और हम दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि पृथ्वी शॉ जो कि बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थे विजय हजारे ट्रॉफी में, और सुरेश रैना जो कि एक साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में, सॉरी इंटरनेशनल से तो उन्होंने रिटायरमेंट ही ले रखा है, किसी भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापस आ रहे हैं, उनकी उनके ऊपर हम गेम प्लान थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे गेम प्लान पे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं सबसे पहले और बात करते हैं पृथ्वी शॉ की। तो दोस्तों पृथ्वी शॉ एक बेहतरीन और टैलेंटेड विस्फोटक बल्लेबाज है, क्योंकि अगर ये सेट हो जाते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक इनको सिर्फ एक ही गेम पता है, वो है मार धाड़ मार धाड़ मार धाड़। अगर ये सेट होता है तो किसी भी टीम को जो है ऐसा फील हो जाता है कि भाई हम खिलो के हैं, क्योंकि अगर ये सेट होता है तो लाइव मैच नहीं चलता दोस्तों, हाइलाइट्स चलती है। और इस तरह की प्रतिभा के जो धनी है वो है पृथ्वी शॉ। और अगर इन्हें रोकना है, और रोकना जो कि बहुत ज़रूरी होगा, तो किस तरह से रोकना है थोड़ी सी हम डिटेल में इस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी शॉ को रोकने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे पहला ऑप्शन जो कि सबसे ज़रूरी ऑप्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट और प्लान ए होना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स का, वो है इन स्विंगिंग डिलीवरीज विद द न्यू बॉल। बिकॉज हमने पिच रिपोर्ट में बताया है कि जो गेंद है वहाँ स्विंग ज़रूर करेगी वानखेड़े में आज, क्योंकि काफ़ी पिच में ग्रास है, ग्रीन ग्रास है, ग्रीनरी है पिच पे, हरियाली है, तो हरियाली के वजह से जो पिच है, जो सतह है, वो थोड़ी हरकत ज़रूर करेगी, और हरकत करेगी अंदर के तरफ बाहर के तरफ दोनों में। पृथ्वी शॉ बहुत ही पूरी तरह से कमज़ोर है, क्योंकि पृथ्वी शॉ के पैर आगे नहीं चलते जाते, शुरू में बॉल तक जो है उनके पैर नहीं पहुंचते, या तो वो शॉट दूर से खेल देते हैं, और दूर से खेलने की वजह से जो बैट और पैड का जो गैप है वो बन जाता है। तो अगर बैट और पैड का गैप बना तो वहाँ से अगर गेंद थोड़ा अंदर आया तो वो LBW या क्लीन बोल्ड हो जाता है, और वहीं से गेंद एंगल के साथ थोड़ा बाहर गया तो बैट का बाहरी किनारा एंड कॉट इन फर्स्ट स्लिप। सो ये दो बहुत बड़े ऑप्शन है अगेंस्ट पृथ्वी शॉ, क्योंकि फंस जाते हैं पृथ्वी शॉ।
हालांकि इन पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता है कि पृथ्वी शॉ ये क्यों तरीका यूज़ करते हैं, लेकिन देखिए पृथ्वी शॉ है। हमने एक स्टोरी यहाँ पर भी सुनी है कि जब पृथ्वी शॉ फॉर्म में होता है तब वो लगातार बैटिंग करते हैं, लेकिन जब वो फॉर्म में नहीं होते तो वो बैटिंग ही नहीं करते। ये बड़ा अजीब सा जो है ट्रूथ है पृथ्वी शॉ के बारे में। तो बहुत ही लाजवाब किस्म के खिलाड़ी और बड़े यूनिक प्लेयर है, और इस यूनिक टेक्निक के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह का जो सक्सेस पाया है अपने अपने लिए वो लाजवाब है। तो दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी शॉ देखिए दोस्तों, दूसरा एक ऑप्शन पृथ्वी शॉ के अगेंस्ट आप शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कभी यूज ही नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन अब गेंदबाज के लिए नहीं, अब तेज गेंदबाज के लिए कुछ नहीं है भाई, अब स्पिनर्स के लिए। तो दोस्तों पृथ्वी शॉ जो है अगेंस्ट लेग स्पिन थोड़ा शुरू में अगर स्ट्रगल करते हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स उनके पास लेग स्पिनर्स है। करण शर्मा शायद पहला मैच खेले आज, अगर करण शर्मा खेल गए आज तो पहला ऑप्शन होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स करण शर्मा को न्यू बॉल से शायद लगाए। अगर लगाती है तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखिए ये दो बहुत बड़े ऑप्शन, अगर आपका सैम करण एक तरफ से शार्दुल ठाकुर दीपक चहर बॉलिंग कर रहे हैं, आपको लगातार स्विंग मिल रहा है और वो जो स्विंग है वो नहीं मिल पाता है, तो देखिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा कि आप तुरंत ही करण को लाए। करण शर्मा आएंगे और गुगली या लेग स्पिन के चाल में पृथ्वी शॉ को जल्दी फंसाएंगे। देखिए ये पावर प्ले में अगर पृथ्वी शॉ को आप आउट नहीं कर पाए तो समझ लीजिए दिल्ली कैपिटल्स 60 रन बना चुका होगा 6 ओवर्स में। इस तरह की एक्सक्लूसिव बल्लेबाजी करता है पृथ्वी शॉ। तो दोस्तों ये बहुत क्रूशल है दिल्ली कैपिटल्स के लिहाज से, पृथ्वी शॉ को अच्छा खेलना है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिहाज से अगर पृथ्वी शॉ थोड़ा सा भी अच्छा खेल गए तो वो कूट डालेंगे। तो यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स को स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के पास जो गेंदबाजी क्रम है वो इस पिच को सूट करता है। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के पास भी गेंदबाजी क्रम जो इस पिच को सूट करता है, लेकिन शार्दुल ठाकुर दीपक चहर नई गेंद से इफेक्टिव है, सैम करन नई गेंद से इफेक्टिव है, तो बहुत ज़रूरी यहाँ पर ये होगा कि किस तरह से सब कुछ होता है। देखते हैं आगे होता क्या है। लेकिन अब हम चलते हैं दूसरे प्लेयर के ऊपर जो है सुरेश रैना। तो दोस्तों सुरेश रैना बहुत ही दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें, सॉरी बहुत ही दिनों बाद किसी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। हम क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय बोल के थक चुके हैं यार, इतना अंतर्राष्ट्रीय बोल चुके हैं कि अब जुबान में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पहले आता है। बड़ा IPL चल रहा है तो हम सुरेश रैना की तरफ चलते हैं। सुरेश रैना आप काफ़ी बार देख चुके हैं, सुरेश रैना को छोटी गेंद शुरू में टीम्स करती है, जो कि बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होगी सुरेश रैना। देखिए छोटी गेंद कीजिए बट वो जो गेंद है ऑफ स्टंप से बाहर नहीं होनी चाहिए, यानी रूम नहीं मिलना चाहिए गेंद पे, बल्लेबाज को हाथ खोलने की जगह नहीं मिली, उनको बॉडी लाइन बाउंसर्स चाहिए जो रबाड़ा डालते हैं, जो नोकिया डालते हैं, जो ईशांत शर्मा डाल सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों जो उमेश यादव भी डाल सकते हैं, तो और क्रिस वोक्स को भी अच्छी खासी गति है। लेकिन अगर नोकिया एक एंड से एक तगड़ी पटकी हुई गेंद करे सुरेश रैना को बॉडी लाइन बॉल, वहाँ पे सुरेश रैना स्ट्रगल करेंगे। लगातार इन पर बॉडी लाइन बॉलिंग कीजिए, ये आपको अपना विकेट फेंक के जाएंगे। तो ये सुरेश रैना के लिए एक और ऑप्शन है जो है दोस्तों, अगर वो नए आए हैं तो लगा दीजिए लेफ्ट जो ऑफ स्पिनर है वो। दिल्ली कैपिटल्स के पास ऑफ स्पिनिंग ऑप्शन है रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने काफ़ी दफ़ा सुरेश रैना को आउट भी किया है। दोस्तों अगर वो नए हैं तो इनसाइड आउट ट्राई करते हैं, लेकिन नए हैं तो वो शायद थोड़ा टाइम लेंगे। तो नए हैं तो इनके आर्चरी में ज़रूर इनसाइड आउट खेलने का जो एक विकल्प है वो होता है कि ऑफ को बॉल वो लेग पे खेल सकते हैं, लेकिन देखिए इनसाइड आउट इतना इजीली आप अश्विन को नहीं मार सकते। अश्विन जो है फ्लाइट कर सकते हैं, रैना को जो है शॉट के लिए ललचा सकते हैं, और रैना अगर शॉट के लिए ललचा जाएंगे, रैना को अगर ललचा लिया अश्विन ने, तो वो जो विकेट है खरीद के फ्लाइट करके रैना से दूर कीजिए बॉल। रैना स्वीप नहीं, रिवर्स स्वीप नहीं मारते, तो रैना को अगर आपने बॉल दूर की तो रैना खींचे चले जाएंगे। कदमों का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा करते हैं लेकिन खींचे चले जाएंगे, और अगर खींचे चले गए तो अश्विन भी रैना की विकेट जो है खरीद सकते हैं। जिस तरह से हमने बताया ये दो प्लेयर्स की गेम प्लान स्ट्रैटेजी, किस तरह से दिल्ली कैपिटल्स इसको इम्प्लीमेंट करती है ये तो देखने वाली बात है, और किस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स भी अपनी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करती है ये तो देखने वाली बात है। हालांकि देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक रे स्पोर्ट्स क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया, हम डेली कंसिस्टेंटली आपको वीडियोज़ बना के देते हैं, डेली वीडियोज़ बन रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। Pause recording button.
शुक्रिया अनमोल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और गेम प्लान सही है, अभी आपने देखा स्टार्ट किया था अनमोल जी ने, और सही है गेम प्लान देखा ही आपने, तो पता ही चल गया होगा किस तरह से निपटा जाए इनसे सुरेश रैना से, पृथ्वी शॉ से। तो भाई ज़बरदस्त ज़बरदस्त गेम प्लान था अनमोल जी का, और शुक्रिया अनमोल जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्वाड देख लेते हैं सीएसके का स्क्वाड अगर देखा जाए तो सीएसके के पूरे प्लेइंग 11 पर पूरे स्क्वाड पर नज़र डाला जाए तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी है, बड़े बड़े नाम, और थोड़ा बहुत चेंज भी किया है इस बार इन्होंने, लेकिन इनके पास जो पुराने खिलाड़ी है वो पहले देख लेते हैं। पुराने खिलाड़ियों की बात की जाए तो इनमें अंबती रायडू, फैब डुप्लेसी, महेंद्र सिंह धोनी, ड्वेन ब्रावो, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, जी हाँ ये तो लुंगी एंगेडी और सैम करन ये तो पहले से मौजूद ही है। इस बार अगर ऐड होने वाले खिलाड़ी है रविनो थप्पार और ऋतुराज गायकवाड़, भी पिछले सीजन ही ऐड हुए थे। तो रविनो थप्पार, ऋतुराज गायकवाड़ अगर देखा जाए इस टीम में तो करण शर्मा भी है, पिछले साल ही ऐड हुए थे ये भी। इमरान ताहिर, जी हाँ इमरान ताहिर को हमने छोड़ दिया था, इमरान ताहिर भी इस टीम में जुड़े हुए हैं पहले से। इमरान ताहिर बड़े खिलाड़ी है, तो इस बार नज़र होगी, ये पूरा स्क्वाड है। और इनके टीम में वैसे अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया बैलेंस टीम लग रही है, लेकिन परेशानी कुछ ऐसी है, मोइन अली भी जुड़ गए इस टीम से। परेशानी कुछ ये है इस टीम में, परेशानी की बात इनके साथ ये हो सकती है कि कुछ खिलाड़ी है जो जिन्होंने ज़्यादा क्रिकेट खेली नहीं है हाल ही में, और उसके बाद अगर देखा जाए कुछ खिलाड़ी अभी अभी फॉर्म में लौटे हैं तो कुछ खिलाड़ी आउट फॉर्म चल रहे हैं, तो ये भी थोड़ी सी मुश्किल हो गई सीएसके के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो नज़र डाला जाए तो बहुत बढ़िया टीम है वैसे। शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, ड्वेन ब्रावो, अच्छे अच्छे खिलाड़ी है। लुंगी एंगेडी तो हालांकि मौजूद नहीं होंगे, पहले मैच मिस करेंगे। फैफ डुप्लेसी शायद खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये भी अभी तय नहीं, लेकिन ज़्यादा मुश्किलें नहीं होनी चाहिए इस साल। लेकिन आकाश चोपड़ा ने कहा है कि भाई मुश्किलें तो इस बार भी जाएगी, चेन्नई सुपर किंग के लिए मुश्किलें जाएगी, ऐसा उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट में कहा है। कि आकाश चोपड़ा को जानते ही है आप सब लोग, पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर है, तो उन्होंने स्टेटमेंट में अपना जारी किया कि इस बार प्लेऑफ से पहले ही शायद मुझे लगता है कि बाहर हो जाएगी सीएसके, ऐसा आकाश चोपड़ा ने कहा। तो देखना होगा भाई कि आकाश चोपड़ा के बातों से कुछ तो ऐसा लग रहा है कि सीएसके कुछ गड़बड़ लग रही है सीएसके में, लेकिन देखना होगा कि सीएसके पहुंचती है नहीं। उम्मीद करेंगे कि सीएसके अच्छा प्रदर्शन करें, और एक तरफ अनुभव, एक तरफ युवा, चेला और गुरु की लड़ाई होगी भाई यहाँ। यहाँ तो खास बेस्ट वर्सेस बेस्ट, एक चेला और एक गुरु की लड़ाई, क्या गुरु पर भारी पड़ेगे चेला, मतलब उनके शिष्य ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी पर भारी पड़ेगे, या फिर धोनी पड़ेगे पंत पर भारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी, सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स, वाह वाह मज़ा आ गया। तो देखना होगा क्या होता है, और उसके लिए भी हम अब जो मैच होने वाला है वानखेड़े में, मुंबई इंडियंस खेला करती थी अक्सर यहाँ पे, तो इस साल तो मुंबई चेन्नई में खेल रही है, अभी 3 मैचेस चेन्नई में है मुंबई के, तो वानखेड़े में आज चेन्नई और दिल्ली का मैच है, तो उसके लिए ग्राउंड्स बहुत सजा हुआ है, मंच सजा है, बस मंच पे आना है, मंच सजा है भाई, युवा खिलाड़ियों के लिए मंच सजा है, युवा खिलाड़ी काफ़ी सारे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ पर नज़र होगी इस बार चेन्नई सुपर किंग की और उनके पूरे मैनेजमेंट की, तो नज़र पिच पर, पिच रिपोर्ट के लिए तैयार है अनमोल जी, पिच रिपोर्ट बताने के लिए, पिच रिपोर्ट है सीधे मुंबई के वानखेड़े मैदान से, जान लेते हैं पिच रिपोर्ट क्या कहते हैं अनमोल जी इस पर। वेलकम टू द पिच रिपोर्ट ऑफ द स्टेडियम ऑफ वन, स्वागत करते हुए हम अब पिच रिपोर्ट के सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, कुछ शाम को जो है मौसम जो है वानखेड़े का बहुत ही सुहाना रहेगा, 30 ग्रेड से ज्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, तो क्रिकेटिंग टेम्परेचर है
वेदर टीम है। और अगर हम पिच की बात करें तो काफी दिनों बाद वहाँ पे वानखेड़े में मैचेस हो रहे हैं, बट जितने भी विजय हजारे हमने मैचेस देखे हैं अभी 2020 में और कुछ 2021 में, उस हिसाब से हमारे पास कुछ स्टैट्स है। साथ ही साथ जिस तरह से विकेट हमने भी देखा है बहुत ही फ्लैट रहता है वानखेड़े का, वही है सपाट विकेट है, छोटा सा ग्राउंड है, छक्के लगने आसान है और दो बड़ी टीमें दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स एक दूसरे के सामने हैं। तो दोस्तों अगर हम थोड़ा सा पिच का एनालिसिस की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जैसे कि पिच जो है बहुत ही फ्लैट नज़र आ रही है, बहुत ही क्लीन पिच है, फ्लैट पिच है, थोड़ी घास है, हरी हरी थोड़ी सी घास भी यहाँ पर छोड़ी गई है। आज के मैच में अगर हम बात करें तो थोड़ी सी घास भी पिच पे छोड़ी गई, आप देख सकते, आप मतलब आप भी देख लेंगे, अगर आपको टेलीविजन में भी पिच रिपोर्ट मिल जाएगा शाम को शायद जब मैच स्टार्ट हो तब आपको टेलीविजन पे भी पिच रिपोर्ट आपको देख सकते हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत जो घास है वो छोड़ी जाएगी इस मैच के लिए। हालांकि पिच बहुत ही फ्लैट भी है, काफ़ी मैचेस भी खेले जाने हैं वानखेड़े में, इसलिए शुरू में थोड़ी घास है, घास छोड़ी जानी नॉर्मल सी बात है कि शुरू में घास होगी। अगर दोस्तों शुरू में घास होगी तो तेज गेंदबाजों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि शुरू में अगर घास है तो पिच में जो है गेंद स्विंग करेगी, हवा में नमी है क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा सा बेहतरीन रहेगा, और ह्यूमिडिटी लेवल अगर अच्छा होगा तो हवा में स्विंग और पिच में से जो मदद है वो मिलेगी गेंदबाजों को, तेज गेंदबाजों को। और हम सब जानते हैं कि किस टीम के पास बेहतर तेज गेंदबाज है। कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो अब तो चेन्नई के पास जॉश हेजलवुड भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ की दिल्ली के पास कगिसो रबाडा है, क्रिस वोक्स जो कि इंग्लैंड के कंडीशन से ही आते हैं जिनको ये स्विंगिंग कंडीशन बहुत भाती है, साथ ही साथ उनके पास कगिसो रबाडा, क्रिस वोक्स, एंड्रिक मौकिया, उमेश यादव, ईशांत शर्मा और काफ़ी बेहतरीन ये फास्ट बॉलिंग यूनिट है। अगर हम बात करें बैकअप के रूप में लुकमान मेरीवाला है, आपके पास मार्कस स्टॉइनिस का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप समझ ही सकते हैं। और इस तरह से जो है आप टीम का जो बैलेंस है आप देख ही सकते हैं कितना ही तूफानी ये टीम का बैलेंस। ईशांत शर्मा की तो हमने बात ही नहीं की है, ईशांत शर्मा की देखो स्विंगिंग बॉलर ही है तो बहुत ही लाजवाब यहाँ पे जो वो है दिख रहा है आपको बैलेंस डेप्थ फास्ट बॉलिंग में दिल्ली कैपिटल्स के पास है। अगर डेप्थ है तो साफ साफ है कि दिल्ली कैपिटल्स जो है फास्ट बॉलिंग की पिच देख के बहुत ही बेहतरीन और खुश होगी। लेकिन एक अदर साइड ऑफ पहलू है किस्से का, क्योंकि अगर घास की पिच में दिल्ली कैपिटल्स को पहले गेंदबाजी करनी है बहुत ही आइडियल सिचुएशन होगा कि दिल्ली कैपिटल्स टॉस जीते और पहले गेंदबाजी करे और जो है जल्दी कई कुछ विकेट निपटाए और चेन्नई को बैकफुट पे खड़े कर दे। क्योंकि दोस्तों हम बात करें कि चेन्नई टीम के कितने सारे क्रिकेटर्स हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट करंटली नहीं खेले हैं, या फिर कुछ क्रिकेटर्स तो ऐसे भी है जिन्होंने क्रिकेट खेला ही नहीं है। सुरेश रैना की बात करें तो पिछले एक साल से हमने ना इन्हें किसी भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मैच में नहीं देखा है। एमएस धोनी की बात करें तो पिछले 5 महीने से कोई भी क्रिकेट इन्होंने नहीं खेला है और रिटायरमेंट भी इन्होंने ले लिया है। तो और ड्वेन ब्रावो की अगर हम बात करें तो अभी वेस्ट इंडीज़ के लिए खेल रहे थे और थोड़े बहुत हल्के हो फुलके हैं, इन एंड आउट रहेंगे, लेकिन सैम का रन तो बहुत कुछ निर्भर करेगा क्योंकि ये पिच तो उनकी ही लायक वाली पिच है। तो फास्ट बॉलिंग की अगर हम बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आप देखेंगे सैम का रन रोल प्ले कर लेंगे इस पिच पे, जिस तरह का जो स्विंगिंग है, स्विंगिंग विकेट है, जो कंडीशन है पूरी तरह से सैम करन को आइडियल कंडीशन मिल रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो हम इंग्लैंड में ही खेलने आए ऐसा सैम करन को ज़रूर लगेगा। हालांकि ड्यू का जो फैक्टर है बहुत रहेगा सेकंड इनिंग्स में, तो चेजिंग साइड इस मैदान में ज़्यादा जीतती है और जीतेगी भी, 60%+ जो है चेजिंग साइड का एडवांटेज रहा है इस ग्राउंड पे, और इसीलिए चेजिंग साइड के लिए ये आइडियल ग्राउंड है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी टीम टॉस जीतेगी सबसे पहला चॉइस होगा कि वो चेस करेंगे, पहले गेंदबाजी करेंगे और फिर बाद में बल्लेबाजी करेंगे और चेस करेंगे। और हम सब जानते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों ही टीम चेजिंग में बहुत कंफर्टेबल है। देखिए ये मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होगा, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल वर्सेस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट का मुकाबला होगा और बहुत ही लाजवाब, क्योंकि अगर आप ऋषभ पंत से पूछेंगे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे
तो ऋषभ पंत आपको सिर्फ एक ही जवाब देंगे कि मैं धोनी बनना चाहूंगा, अगर मैं फ्यूचर में और अच्छा ग्रो करूँ तो धोनी भाई जैसी ग्रोथ पाऊंगा, तो ग्रोथ पाना चाहूंगा। इसलिए देखिए बहुत जरूरी है ये, बहुत ही क्रूशियल मुकाबला, गुरु वर्सेस शिष्य का जो उसको टैगलाइन मिला है सही है, देखता है गुरु जीतता है या शिष्य जीतता है। अर्जुन और द्रोणाचार्य का जो युद्ध था महाभारत में, वो यहाँ पर क्लास, वो जो रिपीट होने वाला है क्लास, देखते हैं कौन जीतता है अच्छे मुकाबले में। तो ये थी दोस्तों पिच रिपोर्ट, एंड साइनिंग ऑफ, एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड ओवर टू यू पलाश ब्रो। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल जी पिच रिपोर्ट बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी मेहनत करते हैं अनमोल जी हमारे हमारे साथी जो बहुत हमारे प्रिय मित्र है अनमोल जी, और काफ़ी बहुत मेहनत करते हैं हमारे चैनल के लिए, जो हमारा जो चैनल है। तो दर्शकों मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, बस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो, और कमेंट करना ना भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपका सपोर्ट अगर नहीं मिला हमें तो हम आगे नहीं जा सकते, आपके सपोर्ट के बिना हम नहीं कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत हमें उत्साह बढ़ाता है, आपका सपोर्ट से हमारा उत्साह बढ़ता है, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अनमोल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी पिच रिपोर्ट आई। और मौसम की बात करें, अगर मौसम की बात करते हैं तो मौसम तो आपने बता ही दिया, 30 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा होगा मौसम, अगर साफ ही रहने वाला है, कोई बारिश की चिंता तो है नहीं, लेकिन ऐसा हो भी ना भगवान करे, क्योंकि क्योंकि भाई हमें मैच देखने में काफ़ी मज़ा आता है, मैच के बीच कोई रुकावट नहीं देखना चाहते हैं हम अक्सर, और कोई भी खिलाड़ी को इंजरी भी नहीं देखना चाहते, कोई खिलाड़ी इंजर्ड ना हो, क्योंकि भाई खिलाड़ी, एक एक खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिस तरह से मैच के लिए एक एक रन बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक एक रन सोने के जैसा होता है, वैसे एक एक खिलाड़ी भी सोने की तरह ही होता है। तो भाई कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड ना हो, बस यही हम दुआ करेंगे, और अच्छा मैच हो, पूरा मैच हमें देखने मिले, तो बड़ा मुकाबला होने वाला है। तो उससे पहले, जाने से पहले हम हमारे प्लेइंग 11 भी बताएंगे, हमारा प्रेडिक्शन भी बताएंगे। तो सबसे पहले मैं चुनूंगा दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। जी हाँ, दिल्ली के अफमाल के खिलाड़ी है, बड़े बड़े सितारे हैं, मज़ा आने वाला है, और कोशिश करेंगे अच्छा मैच हो, बढ़िया, और कोशिश करेंगे अच्छी प्लेइंग 11 चुनने की। तो चलिए प्लेइंग 11 चुन लेते हैं। सबसे पहले भाई मैं लूँगा अपने टीम में पृथ्वी शॉ और शिखर धवन, बेफिकर नंबर 1। पृथ्वी शॉ का शो चलेगा, शायद चलना चाहिए मेरे ख्याल से, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, उसके बाद स्टी स्मिथ नंबर 3 पे, अजिंक्य रहाणे भी मैं टीम में रख सकता हूँ। जी हाँ, क्योंकि श्रेयस अय्यर मौजूद नहीं है, अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर, स्टी स्मिथ नंबर 4 पे, ये हो गए हमारे एक विदेशी खिलाड़ी। उसके बाद अगर देखा जाए तो नंबर पाँच पे ऋषभ पंत को खेल देखते हुए देखना चाहूँगा, मैं खेलते हुए देखना चाहूँगा नंबर 5 पर। नंबर 6 पे मार्कस स्टोइनिस, ये हो गए 2 विदेशी हमारे, 6 खिलाड़ियों में 2 विदेशी। उसके बाद नंबर 7 पर अमित मिश्रा तो नहीं है, तो रविचंद्र अश्विन और अमित मिश्रा 2 स्पिनर खिलाऊंगा, और क्रिस हुक्स मेरे तीसरे फॉरेन प्लेयर, क्रिस हुक्स रहेंगे, और तो रविचंद्र अश्विन, अमित मिश्रा, क्रिस हुक्स, उसके बाद उमेश यादव, ईशांत शर्मा, तो मैं तीन ही फॉरेन प्लेयर के साथ जाऊंगा, क्रिस हुक्स, मार्कस स्टोइनिस और स्टी स्मिथ। तो बहुत बेहतरीन टीम है ये, प्लेइंग 11 बहुत बढ़िया है। कैसी लगी मेरी प्लेइंग 11 जरा कमेंट के माध्यम से बताइए। अब दूसरे देख लेते हैं चेन्नई में, चेन्नई में अगर मोइन अली वगैरह खिलाड़ी है, बड़े बड़े खिलाड़ी है, और इस टीम में सैम बिलिंग्स भी है, सैम बिलिंग्स तो दिल्ली कैपिटल्स, माफ़ कीजिए, तो चेन्नई में सैम बिलिंग्स अक्सर हुआ करते, तो इस वजह से याद नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि ये सीजन कैसा बदलता है पता भी नहीं चलता, और ऐसा लगता है कि वही खिलाड़ी वहीं हैं, क्योंकि हम हमेशा हमारे देश की मैच देखते रहते हैं और आईपीएल भी देखते हैं, तो लेकिन ज़्यादा इंटरनेशनल को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो कैसा याद नहीं रहता, तो इस वजह से
थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है देखने में, लेकिन भाई मज़ा आने वाला है। तो चेन्नई सुपर किंग की हम बात कर लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। इस टीम में भी मैं अंबाती रायडू, रॉबिन उथप्पा के साथ ओपन। नंबर 3 पे सुरेश रैना, नंबर 4 MS धोनी, नंबर 5 ऋतुराज गायकवाड़ और नंबर 6 पर मोइन अली, रविंद्र जडेजा, जी हाँ नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा। तो 7 पर ये मोइन अली, एक फॉरेन प्लेयर अब तक लिया है अंबाती रायडू, रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना, ऋतुराज गायकवाड़, MS धोनी, मोइन अली और रविंद्र जडेजा, ये हो गए 7। और ड्वेन ब्रावो हो गए हमारे 8वें नंबर पर। अच्छे तेज़ गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी का भी आपको बहुत मदद करते हैं बल्लेबाजी के लिए भी। तो ड्वेन ब्रावो ये दूसरे फॉरेन हो गए हमारे साथ। उसके बाद अगर देखा जाए तो दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, श्याम करण, जी हाँ श्याम करण ये तीसरे फॉरेन प्लेयर और दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर ये हमारे दोनों तेज गेंदबाज, स्विंग कराते हैं अच्छा दीपक चहर। तो ये 11 प्लेयर्स, ये प्लेइंग 11 है हमारी। तो इसमें भी तीन फॉरेन प्लेयर हमें फॉरेन प्लेयर की ज़्यादा तो आवश्यकता पड़ी रही है अबे दोनों प्लेइंग 11 में, क्योंकि अगर कगिसो रबाडा आ जाते हैं, फैब डुप्लेसी अगर खेलते हैं तो मैं शायद ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर रखूँगा और फैब डुप्लेसी को खिलाऊँगा, क्योंकि रॉबिन उथप्पा के साथ फैब डुप्लेसी को ओपन करवाना चाहूँगा मैं, तो तभी मैं 4 विदेशी खिलाऊंगा। अगर इधर कगिसो रबाडा और रवि इसको बाहर जाना पड़ेगा, जी हाँ क्रिस ओक्स बाहर जाएंगे और फिर दो बॉलर अंदर आएंगे तो एक और किसी विदेशी खिलाड़ी को बाहर जाना पड़ेगा। अब कौन जाएगा, वो कौन हो सकता है ये भी देखना होगा भाई। मज़ा आएगा, मुकाबला तो मज़ा आएगा, लेकिन तैयार हो आप भी, हम तो तैयार है भाई, आप तैयार हो कि नहीं कमेंट के माध्यम से बताइए और लाइक कीजिए वीडियो को। प्रेडिक्शन की बात की जाए तो प्रेडिक्शन मेरा भाई, टॉस की प्रेडिक्शन जान लेते हैं। टॉस की प्रेडिक्शन अगर देखा जाए पिच के हिसाब से, मैं तो कहूँगा जैसे अनमोल जी ने पिच बताए, तो मुझे लगता है टॉस जो भी जीतेगा, मेरे ख्याल से, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से, अनमोल जी ने पिच के हिसाब से बताया अनमोल जी ने, लेकिन मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से टॉस भाई मुंबई जीतेगा, नहीं चेन्नई जीतेगा टॉस, सीएसके जीतेगा और पहले गेंदबाजी करेगा। जी हाँ सीएसके टॉस जीतेगी और गेंदबाजी करेगी और दिल्ली कैपिटल्स को आमंत्रित करेगी बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स डिफेंड भी करेगी, ये मुझे इतना मतलब सपोर्ट है मेरा, भरोसा है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स फेवरेट टीम है इस बार, क्योंकि बढ़िया मजबूत टीम लग रही है, तो ठीक है यही है। तो दिल्ली कैपिटल्स मैच जीतेगा और सीएसके टॉस जीतेगा, तो चलिए देखते हैं क्या होता है मैच में। तो यही हम आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।